अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। चलें मैं आज आपको बताती हूँ, मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बहुत मज़ेदार सा चिकन स्टेक। साथ में बनाएंगे वाइट सॉस और साथ में हम स्टीम करेंगे अपनी वेजिटेबल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकन और मेरे पास यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने कट कर लिया है, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे स्टेक के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, और वाइट सॉस बनाएंगे। उसमें मैं आपको साथ साथ बनाऊंगी क्या चीज़ें किस तरह से मैंने यूज़ करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे ले लिया एक पैन, पैन में डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स, इसको हम स्टीम करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ऑयल, बहुत थोड़ा सा। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे हम इसमें, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत थोड़ा सा, ताकि इसकी स्टीम बने। इसको फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून बस। और हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर बस। इसको करेंगे मिक्स। चलिए इसको मिक्स कर दिया और इसको मैं कर दूंगी कवर, और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगी हमारी वेजिटेबल, ये स्टीम में बन जाएगी। चलो फ्लेम हमारा यहाँ पे स्लो है, आ जाते हैं अपने स्टेक की तरफ। स्टेक को हम सबसे पहले चिकन को करेंगे कट। मेरे पास ये एक थाई पीस है, मुझे इसमें से तीन स्टेक बनाने हैं। बहुत थिन थिन से बनाएंगे, थिक से नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसको हमने ऐसे थिन सा काटना है। चलिए ये देखिए, ये अच्छे से कट के इसको भी थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से इसके रेशे तोड़ेंगे, हल्का हल्का सा इसको हम हमारे के साथ पंच करेंगे, ताकि इसके रेशा टूट जाए चिकन का। मैं डालूंगी विनेगर 1 टेबल स्पून, 1 लेमन का जूस शामिल करूंगी मैं इसमें, सोया सॉस शामिल करूंगी मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। मेरे पास यहाँ पे गार्लिक पाउडर है, गार्लिक पाउडर शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी वाइट पेपर यूज करूंगी। चलिए इसको अब हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसमें शामिल कर लेते हैं ऑयल और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये देखिए चिकन हमारा हो गया अच्छे से मैरिनेट। चलो हम डालेंगे यहाँ ग्रिल में बहुत कम सा ऑयल, ठीक।
वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। हमारी वेजिटेबल देखें कितनी अच्छी स्टीम में कुक हो रही हैं। चलो कवर कर देते हैं, ये 5 मिनट लगेंगे, ये हो जाएंगे। इसको भी हम 5 मिनट देते हैं एक तरफ से, फिर 5 मिनट के लिए हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से इसको कुक करेंगे। हम अपनी वेजिटेबल्स देख लेते हैं। ये देखें हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से स्टीम हो गई और ये पूरी कुक हो चुके हैं, डन है ये। इसको हम उतार लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने स्टेक। बहुत मजे के हमारे स्टेक बन रहे हैं। अभी इनको टाइम लगेगा, इसको हम किस वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रेडी करते हैं अपनी व्हाइट सॉस। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम इसमें शामिल करते हैं ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बस कम सा डालेंगे। सॉस रेडी करते हैं, ऑयल हमारा हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मैदे के और हम इसको करेंगे अच्छे से कुक। केक हमारे देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून भी है ऑल पर्पज फ्लावर व्हाइट वाला मैदा, इसे रोस्ट करेंगे। चलिए चिकन को देख लेते हैं अपने को। चिकन अभी हो रहा है हमारा, इसको नहीं देखते हैं अच्छे से। चलेंगे देखें हमारा मैदा हो गया इसमें रोस्ट, मिल्क शामिल कर देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चिकन देखिए हमारा वहाँ पे चिकन हो रहा है, चिकन को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से केक हमारे बन के रेडी हो रहे हैं। सॉस की तरफ सॉस को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका कोई भी लम्स ना बने। चलिए ये देखिए हमारी सॉस वाइट बहुत मज़े की स्मूथ हो गई, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया। चलिए अब इसमें डाल लेते हैं अपनी स्पाइसेस। हमारे पास थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है, बिल्कुल बहुत कम पिंच मैंने डाला है, बिल्कुल पिंच। 1/4 टीस्पून मैंने डाली है ब्लैक पेपर। सॉल्ट शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। वाइट पेपर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। मिक्स करेंगे इसको। मज़ेदार सी सॉस रेडी करेंगे। इसमें हम डालेंगे चीज़, चीज़ ग्रेट करेंगे और चीज़ डालेंगे। चलिए मेरे पास यहाँ पे चेडर चीज़ है, मोज़रेला मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे इसकी स्ट्रिंग नहीं बनानी थी। ये देखें डन हो गया। ये देखें बहुत मज़े की सॉस बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, चलिए ये डन है। स्टेक हमारे रेडी हो गए, वेजिटेबल हमारी रेडी हो गई। मैं आपसे अब फाइनल लुक पे मिलती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसका। देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार स्टीम वेजिटेबल वाइट सॉस और चिकन स्टेक बनके रेडी हो गया, बहुत मज़े का बना है। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिपी।
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।